गोलू, तुझे जितनी भी शैतानी करनी है बसंत काका के सामने, ताकि वो हमें खूब डांट लगाए। समझ गया ना तुझे क्या करना है? चल अब जा। ओए मोटू, क्या कर रहा है तू? तेरे को आज भी मस्ती सूझ रही है, देख रहा है ना घर में कितना सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। चल जा यहाँ से। ओए फुग्गे, मैं तुझसे कह रहा हूं ना, तू जा वरना मैं सुई मार के तेरी सारी हवा निकाल दूंगा। भाई बहन दोनों पागल हो गए हो? दर्पण, तू देख रही है ना घर में कितना दिक्कत चल रहा है, आई बाबा कितना परेशान है। हाँ। फिर मस्ती काय को कर रही है तू ऐसे? चल जा चुपचाप अपने कमरे में जा, और इस जाड़िए को भी ले जा अपने साथ। नहीं, हम भाई बहन तो नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, मस्ती करेंगे और शोर मचाएंगे। तुम लोग नहीं मानोगे मेरी बात, मैं अभी आई को बोलता हूँ, फिर देखना वो कैसे तुम दोनों को कान पकड़ करके कोने में खड़ा करवा देंगी। आप किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम रोएंगे भी नहीं, गुस्सा भी नहीं होएंगे, सिर्फ हंसते रहेंगे। अपुन कुछ भी बोलेगा तो तुम लोग केवल हंसोगे। बसंत काका, आपको नहीं पता कि ये सभी गेम है जो सब लोग को मिलके खेलना है। इसमें अगर कोई हमें बुरा बोले या डांटे तो रोना नहीं है, बुरा भी नहीं मानना, झगड़ना भी नहीं है, सिर्फ हंसते रहना है। गणेश और मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कौन सा खेल है, किसका खेल है जिसमें तेल अपुन का निकल रहा है? कौन बोला तेरे को ये सब? बाबा बोले, बाबा ने बोला कि दुनिया के सारे लोग ये मिलके खेल रहे हैं। उस खेल में ही तो पुलिस बाबा को पकड़ के ले गई थी। पर आप किसी को बोलना नहीं काका, बाबा ने कहा है अगर हम बोल देंगे तो खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, बाबा कहा है मुझे उनसे कुछ पूछना है।